जहरीली शराब नीति केस में एक और बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तारी की है। एक और शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाला मामले में की गई है। हैदराबाद से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पर दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी ओपी तिवारी इस वक्त जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। ओपी, पूरी जानकारी क्या है, कौन है ये शख्स, क्या इसके बारे में पता चल पा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में हैदराबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका नाम बुच्ची बाबू बताया गया है, उसको गिरफ्तार किया है। इस शख्स पर सीबीआई के मुताबिक आरोप है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को इसी शख्स ने बनाने में उसको बनाने में और उसको लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके चलते हैदराबाद के जो होलसेल रिटेल लाइसेंस आपका वाले थे उनको 2021-22 में भयंकर तरीके से नुकसान हुआ था और इसमें इस मामले में सरकार को भी नुकसान पहुंचा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने व्यापक जांच के बाद इस बुच्ची बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है और आगे की पूछताछ के लिए आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इसे वहां से पूछताछ के लिए रिमांड पर लाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ओपी तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग शुरू हो चुकी है। इसके लिए बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। इस खत में लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर या लक्ष्मणपुर करने की मांग की गई है। इस मांग के लिए चिट्ठी में पौराणिक मान्यताओं का जिक्र किया गया है। खत में लिखा गया कि त्रेता युग में श्री राम ने ये शहर लक्ष्मण को सौंप दिया था और फिर 18वीं सदी में नवाब असफउद्दौला ने इसका नाम लखनऊ कर दिया और तभी ये नाम चला रहा है। इस खत में सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ को गुलामी के प्रतीकों से मुक्त कराने की मांग की है। संगम लाल गुप्ता यूपी के प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं। यूपी में 2017 में बीजेपी की सत्ता आने के बाद 2018 में मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। उसके बाद फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया और राजधानी का नाम बदलने की मांग अब उठ चुकी है। 2017 में चीन की BRI परियोजना पर की गई प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई, क्योंकि चीन ने इस परियोजना के नाम पर जिन जिन देशों को कर्ज दिया उनमें कई की आर्थिक हालत पतली हो चुकी है और वहां के लोगों के भूखों मरने की नौबत आ चुकी है। पाकिस्तान और श्रीलंका इसका जीता जागता उदाहरण है, जिन्हें चीन की BRI परियोजना ने बर्बाद कर दिया। उनकी अर्थव्यवस्था की कमर ऐसी तोड़ी कि वो ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे। पिछले साल श्रीलंका में हुई हिंसा और इस समय पाकिस्तान में आटे और तेल को तरसते लोग इसी का सबूत है। चीन ने BRI परियोजना का जाल भारत के कई पड़ोसी देशों में फैलाया, जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं, जिन्हें चीन ने पहले कर्ज दिया और फिर कर्ज वसूली के नाम पर वहां के लोगों का खून चूस लिया। चीन की इस परियोजना पर भारत के प्रधानमंत्री ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जो अब सटीक साबित हो रही है। भारत सरकार ने 13 मई 2017 को न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।